भिवंडी शहर अब हादसों का शहर कहलाने लगा है, क्योंकि यहाँ पर आम जनमानस को पैदल चलने के लिए ना तो फुटपाथ है ना ही पैदल चलने के लिए रोड है। जो थोड़े बहुत फुटपाथ बचे हैं उस पर लोगों ने अवैध कब्जा कर अपना कारोबार फैला लिया है। और रोड तो इतना पतला है कि एक गाड़ी अगर जा रही है तो पैदल चलने वाले को अपनी जान बचा कर चलना पड़ता है, कहीं कोई गाड़ी ठोकर न मार दे। और सारे ही नेता सिर्फ पिछले 40 साल से भिवंडी शहर के विकास की बात कर रहे हैं। इस साल ये विकास कहाँ हो रहा है, कब हुआ, ये कोई बताने को तैयार नहीं है। ताज़ा मामला भिवंडी शहर के बागे फिरदौस मस्जिद के पास का है, जहां पर एक शख्स बालाराम भंडारी उम्र 45 साल पैदल रोड क्रॉस कर रहा था। खांडू पाढ़ा की तरफ से एक ट्रक ने ऐसी टक्कर मारी कि शख्स का पैर टूट गया और वो घायल हो गया। टक्कर इतनी तेज थी कि पहले बालाराम भंडारी नामी शख्स का पैर टूटा और वो सीधा एक रिक्शे से जा टकराया। जैसा कि आप इस क्षतिग्रस्त रिक्शा को देख सकते हैं, अब आप इस टूटे हुए रिक्शे को देखकर समझिए कि ट्रक ने उसे कितनी जोर की टक्कर मारी थी। गंभीर रूप से घायल बालाराम भंडारी, जो कि पैदल चल रहा था, उसे स्थानिकों की मदद से भिवंडी के इंदिरा गांधी अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन बालाराम भंडारी के पैर में गंभीर चोट को देखते हुए इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने बालाराम भंडारी को आगे थाने सिविल हॉस्पिटल रेफर कर दिया। भिवंडी शहर में पैदल चलने वाले, चाहे वो स्कूल या कॉलेज जाते स्टूडेंट्स हों या महिलाएं बुजुर्ग हों, ये फुटपाथ पर पैदल चल ही नहीं सकते, क्योंकि भिवंडी शहर में फुटपाथ सिर्फ महानगर पालिका के कागजों में है, हकीकत में रोड के किनारे फुटपाथ है ही नहीं।